तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों झारखंड के मुसलमान किसके साथ हैं, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, झारखंड के 81 सीटों के लिए बीजेपी गठबंधन के लिए एमआईएम जो पार्टी है वो किस दल को यहां पर नुकसान दे सकती है, झारखंड के 81 सीटों का आपको गणित दिखाएंगे। बात करेंगे धारा 370 और अयोध्या मामले के बाद मुस्लिम पक्ष किसके पक्ष में वोट करता है, इसके अलावा जनता की क्या है राय, इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस जाति का वोट कितने प्रतिशत है और किसे सपोर्ट करता है। जहां दोस्तों अब की बार किसकी सरकार अगर बात करें तो यहां पर अजहरुद्दीन ओबीसी इस बार चुनावी मैदान में है और बड़ी पार्टियों का खेल खराब कर सकते हैं, तो इसका असर किसको होगा, क्या गठबंधन को यहां पर नुकसान होगा, क्या बीजेपी को नुकसान होगा, धारा 370 और 35A के मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह कई बड़ी रैलियां कर चुके हैं, तो झारखंड में किस समुदाय का कितने प्रतिशत वोट शेयर जाता है और किसके पक्ष में जा सकता है, अयोध्या मामला और 3 तलाक हो या यहाँ पर धारा 370, ये कई बड़े मुद्दे जो है वो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो छाप है और इस छाप के आधार पर ही यहाँ पर फैसला कई इलेक्शन पर पड़ सकता है। तो हिंदुओं की बात करते यहाँ पर 67.83% हिंदू मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 14% और ईसाई 4% यहाँ पर ईसाई भी आ जाते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लिए बात करें तो यहाँ पर 26% है और ग्रामीण वोटर 76 और शहरी वोटर जो है वो 24% है, लेकिन ये किसके पक्ष में है आगे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जहाँ दोस्तों अगर बात की तो आज जन्मभूमि से जुड़ा विवाद खत्म हो चुका है और इसे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी ने स्वीकार किया है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। लेकिन अगर झारखंड के लिए बात की तो ओबीसी जो समुदाय है उसकी अगर बात करें 52% है, एससी वर्ग जो है वो 12.1% है, एसटी वर्ग जो है 26% है। अगर बात की तो अजहरुद्दीन ओबीसी इस बार चुनावी मैदान में है और मोदी सरकार हो या यहाँ पर अन्य जो दल है विपक्ष दल है उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो एक नई पार्टी यहाँ पर अपनी छाप रख रहे हैं, तो ऐसे में इनका रोल काफी महत्वपूर्ण है, किसकी वोटें यहाँ पर काटते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड की कुछ और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ और यहाँ पर जानकारी आपको दिखाते हैं। झारखंड में अगर बात की तो आबादी 14.5% मुस्लिम आबादी है और सत्ता में भागीदारी मात्र 2.5% लोग ऐसे हैं जो सत्ता में यहाँ पर कार्यरत है, मुस्लिम विधायक सिर्फ 2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 14% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद सिर्फ मुस्लिम विधायक 2 हैं, ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। और झारखंड में मुस्लिम फैक्टर 18 सीटों पर मुस्लिम वोटर बेहद अहम यहाँ पर साबित हो सकते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 22% से 38% मुसलमान आबादी होती है, तो ये 7 सीटें कौन कौन सी हैं आपको दिखा देते हैं। देखिए पाकुड़ की बात की तो 35.8% यहाँ पर मतदाता जो है वो मुस्लिम है और 2014 में कांग्रेस के आलमगीर आलम ने झामुमो के अकील अख्तर को हराया था, मतलब मुस्लिम समुदाय में ही यहाँ पर लड़ाई है। और यहाँ पर बात करें तो ताजमहल की बात करें तो ताजमहल काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ 2014 में भाजपा के अनंत कुमार ओझा जीते थे, मुस्लिम आबादी के बावजूद यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर अनंत कुमार जीते थे। और यहाँ पर गोंडा की बात करें तो 27% मतदाता है और 2014 में भाजपा के रघुनंदन मंडल विधायक यहाँ से चुने गए थे। और मधुपुर की बात की तो 25% यहाँ पर मुस्लिम समुदाय है और यहाँ पर 2014 में राजपाली बार चुनाव यहाँ से जीते थे, झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी यहाँ से हारे थे। और यहाँ पर 2009 में भी विधायक वो रह चुके हैं, 2005 में भाजपा के राजपाली बार ने झामुमो के हुसैन अंसारी को फिर से हराया था। विधानसभा गांडी की बात की तो 23% मतदाता यहाँ पर मुस्लिम है और 2014 में भाजपा के जयप्रकाश वर्मा ने कांग्रेस के सरफराज अहमद को यहाँ पर हराया था, मतलब मुस्लिम विधायक तो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो यहाँ पर हारे हैं बीजेपी से, तो क्या बीजेपी इस बार इन सीटों को बचा पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। टुंडी की बात की तो 22% मतदाता यहाँ से आते हैं और 2014 में यहाँ पर एजीएस पार्टी के राजकिशोर महतो विधायक यहाँ पर चुने गए थे। और जामताड़ा की अगर बात की तो 38% यहाँ पर मुस्लिम समुदाय है और सीट को यहाँ पर कांग्रेस के इरफान अंसारी विधायक चुने गए थे, तो यहाँ पर जामताड़ा से कांग्रेस विधायक चुने गए और वो भी यहाँ पर मुस्लिम विधायक चुने गए।
और यहाँ पर अगर बात करें तो एक पाकुड़ की बात की तो यहाँ से एक मुस्लिम समुदाय के विधायक चुने गए, तो दो सीटें कांग्रेस की तरफ से ये दोनों विधायक मुस्लिम यहाँ पर आए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले चुनावों में। तो झारखंड में मुस्लिम फैक्टर 11 सीटों पर अहम रोल यहाँ पर दे सकते हैं। अब किसके साथ जाते हैं, अगर आपको इसके अलावा भी मैंने आपको बता दी है कहाँ से कौन जीता है। अगर बिहार की बात की तो बिहार से अलग होकर राज्य बना है झारखंड। बिहार में 16% मुस्लिम वोटर है, जबकि झारखंड की अगर बात की तो 14 है। तो बिहार में 24 मुस्लिम विधायक बने हैं, लेकिन केवल झारखंड में 2 ही विधायक हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि झारखंड में 14% मुस्लिम वोटर होने के बावजूद सिर्फ 2 विधायक चुने गए हैं। तो इस बार कुछ नया यहां पर हो सकता है, और AIMN जो पार्टी है वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं और वो तो इसका फायदा किसको होगा, किसको होगा नुकसान, ये तो 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से ये बड़े आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। इन आंकड़ों में और वोटर के हिसाब से आने वाले प्रचार में किस प्रकार से किए जाते हैं, इन सीटों में और इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। फाइनल आंकड़े 23 दिसंबर को ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।